जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड YouTube वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 37 में आपका स्वागत है। तो बिल्कुल 37th डे है, वी आर हाफ वे देयर। 75 डेज तक रोज एक नई वीडियो आती रहेगी जिसमें हम फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर बनाए हुए कैरेक्टर को आइक्लोन में ले जाकर के उससे आप कोई भी डायलॉग बुलवा सकते हैं यूजिंग एक्यूलिप्स। तो आपको उसमें ऑडियो आपको रिकॉर्ड करके डालेंगे और सेम की सेम आपकी एनिमेशन जो है डायलॉग्स की हो जाएगी विदाउट ज़्यादा कोई मैनुअल काम किए हुए ऑटोमेटिकली। बहुत सिंपल है, मैं इसको आपको करके बताता हूँ कैसे होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बार पहले बनाई थी कैरेक्टर क्रिएटर की, उसमें मैंने आपको बताया था हेडशॉट के थ्रू आप कैसे अपने फेस स्कैन से अपना रियलिस्टिक फेस बना सकते हैं। आज मैं एक फेस बनाऊंगा इस काम को करने के लिए ऑब्वियसली, बट मैं हेडशॉट के अंदर जो मैश है मैश वाले तरीके से बनाऊंगा। नॉर्मली सिंपली अगर आपके पास एक फोटो हो तो उससे आप कैसे बना सकते हैं वो आपको बताऊंगा, और उसमें थोड़ा सा जो है क्वालिटी डिफरेंट होती है फेस स्कैन के बजाय। तो यहाँ पर हमारे पास ये रणवीर की फोटो पड़ी हुई है, एनिमल मूवी के एक मैंने डायलॉग भी काट रखे ताकि उसके साथ मैच कर सके हम। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर हमारे कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर, जो कि हेडशॉट का मैंने यहाँ पर खोला हुआ है प्लगइन उसके अंदर। तो ये अगर किसी को पता नहीं कि हेडशॉट कहाँ से आता है तो ये आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैं कहीं पर उसको लिंक दे दूंगा आपको आई बटन वगैरह में। यहाँ पर ये मेल है हमारे पास, और यहाँ पर हम कर लेते हैं क्लीन सॉफ्ट क्लीन रफ बियर्ड एंड स्कैल्प, और बियर्ड एंड स्कैल्प वाला हम यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर की हमारी बियर्ड है। और यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करते हैं, अभी ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करेगा इस इमेज को, बस सिंपली एक इमेज से यहाँ पर ये कुछ मिलता जुलता कैरेक्टर बना देगा जो कि ऑब्वियसली साइड से और दूसरे एंगल से जो है उतना मैच नहीं करेगा, बट फ्रंट से काफ़ी इसके क्वाइट सिमिलर सा कैरेक्टर यहाँ पर बना देगा, राइट। तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर बन गया है। अब इस कैरेक्टर में इशू क्या है, इशू बहुत सारे हैं कि इसमें दाढ़ी वगैरह भी नहीं है, बाल नहीं है, ठीक है, तो वो सारे इशू हम रिजॉल्व कर देंगे, उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बट आपको पता है यहाँ पर फेस का जो है टेक्सचर वगैरह लगा हुआ आ गया। इसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ कंटेंट के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हेयर लगाता हूँ, और हेयर में थोड़ा सा हम इसके जो है लंबे बाल वाला कोई हेयर स्टाइल ढूंढते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर बियर्ड लगा देता हूँ, एक बढ़िया दाढ़ी कहाँ पर है वो देख लेते हैं हम, थोड़ी सी लंबी दाढ़ी हमें चाहिए, तो ये दाढ़ी ले लेते हैं यहाँ पर, ज़्यादा बड़ी हो गई आई थिंक। तो ये हमारा कैरेक्टर बन गया है, इस कैरेक्टर को ले जाना है मुझे आइक्लोन में ताकि मैं इसके ऊपर एनिमेशन कर सकूं, और उसके लिए मुझे यहाँ पर आना है ऊपर, और इधर एक बटन बना है पहला सेव के बाद जिसके ऊपर लिखा है सेंड टू आइक्लोन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आइक्लोन के अंदर भेज देगा आपके कंप्यूटर में अगर आइक्लोन इंस्टॉल्ड है, और वर्जन उसका कॉम्पेटेबल होना चाहिए आपके कैरेक्टर क्रिएटर से। तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है मेरे पास, यहाँ पर लोड हो गया ये आप देख सकते हैं, राइट। तो सेम कैरेक्टर यहाँ पर आ गया हमारा, राइट। अब इसके अंदर मुझे डायलॉग इसके अंदर यहाँ पर इंपोर्ट करना है, डायलॉग मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बेसिकली कट करके रखा हुआ है उससे ट्रेलर से, तो वो इस टाइप का कुछ सुन रहा है। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा। तो ऑडियो मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है, अब मैं कैरेक्टर क्रिएटर को तो कर देता हूं बंद। आइक्लोन में आते हैं जहाँ पर हमें एक्चुअली डायलॉग की एनिमेशन करनी है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर फेशियल का है, यहाँ पर क्रिएट स्क्रिप्ट फेस पपेट फेस की इस टाइप से, तो इन सब मेथड से यहाँ पर आप फेस की एनिमेशन कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर एनिमेशन पे जाएं ऊपर यहाँ पर, और क्रिएट स्क्रिप्ट पे जाएं, उधर आपको एक्यूलिप्स की ऑप्शन मिलेगी, राइट। तो अगर आपके पास एक्यूलिप नहीं है देन आप इसको नॉर्मल यहाँ पर क्रिएट स्क्रिप्ट वाले से भी कर सकते हैं, अगर एक्यूलिप है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से अगर के आप एक्यूलिप पे क्लिक करें उसका एक अलग से बॉक्स खुलेगा यहाँ पर, और इधर जो फर्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आप जो है अपनी ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, सेकंड नंबर पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी ऑडियो, या फिर थर्ड में आप जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं और टेक्स्ट से यहाँ पर आप उससे भी डायलॉग बना सकते हैं। तो हमारे केस में हम ऑडियो यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो वॉइस है हमारी ये मैंने निकाली हुई है, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो ऑडियो यहाँ पर आ चुकी है, अभी मैं करंटली अगर प्ले करूँगा तो यहाँ पर फेस पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ऑडियो प्ले होगी, मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर सिंपली ऑडियो प्ले हो रही है, राइट। यहाँ पर आपको पहले करना है जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट करेगा यहाँ पर। सो अगर आपका इंग्लिश में है डायलॉग तो देखो ये करेक्टली कर देता है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो ये कुछ भी जंबल वर्ड यहाँ पे लिखा है जो इसको लगेगा कि इस टाइप के वर्ड हैं, राइट। और उसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत होंगी, कुछ चीज़ें ठीक होंगी, और इस केस में मैं आपको जैसे बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है रिपो बट वो टू आई बट बी ई थिंग, तो कुछ भी मतलब जिबरिश आ गया जो कि इसको ऑडियो के हिसाब से लगता है, राइट, क्योंकि इसको हिंदी भाषा का पता नहीं है। बट यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, और इसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने वर्जन्स बना दिए। अगर मैं प्ले करूँगा बलबीर सिंह पर गोली चलाई,
तो ये यहाँ पर आपकी एनिमेशन हो चुकी है राइट। अगर आप पास से देखते हैं इसको, दोबारा प्ले करता हूँ, अब ये तो आ गया आपका बेस आ गया है ना, थोड़ा पूरा इसको प्ले कर देते एक बार। तो इसमें अब मैंने जानबूझ के ये कैरेक्टर क्यों लिया और ये डायलॉग क्यों लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एग्रेशन भी चाहिए ठीक है। तो ये तो आपकी जो सिर्फ लिप्स के ऊपर ही चीज आ गया, लेकिन आईब्रोज में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है ठीक है। अगर आपको इधर भी एक्सप्रेशन लेकर के आने तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, फेस पपेट टूल है, बहुत अमेजिंग टूल है, इसके ऊपर मैं अलग से भी ट्यूटोरियल बना सकता हूँ, बट फॉर नाउ मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है कि बहुत सारे तरीके से आप विद माउस अपने फेस को एनिमेट कर सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर ब्रोज की है, तो ब्रोज में जो है आईब्रोज आती हैं आपकी, और यहाँ पर अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक करके मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा, उसके बाद अपना माउस हिलाऊंगा, तो उससे देखना क्या होगा। मैंने स्पेस प्रेस किया और अब देख रहा हूँ मैं ऐसे माउस हिला रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे जो है आँखों को मैं वो कर पा रहा हूँ राइट, ये देखो। तो जब मैं नीचे वो करता हूँ तो आईब्रोज क्लोज हो जाती हैं, ऊपर करता हूँ तो ऐसे हो जाते हैं ठीक है। तो मेरे केस में मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ आईब्रोज लानी है इस तरह से, ताकि थोड़ा गुस्से में लगे वो राइट। अब मैं वापस एस्केप दबाता हूँ, अभी एनिमेशन नहीं हुई, सिर्फ ये प्रीव्यू था यहाँ पर आपका ठीक है। यहाँ पर और अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पर ब्रोज अप डाउन ठीक है, ब्रोज अप, और यहाँ पर ब्रोज इनर अप डाउन राइट, अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन है, ब्रोज आउटर अप डाउन, इनको अलग से भी आप कर सकते हो। ब्रोज कंप्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ ऐसे और प्रीव्यू देखता हूँ इससे क्या होता है। तो ये देखो, इससे ये पास आ रही है ठीक है, और ऊपर जाने पर दूर हो रही है, तो मैं इससे भी यहाँ पर पास ला सकता हूँ इसको ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ नॉर्मल वाला जो था ब्रोज अप डाउन वाला, और बेसिकली ब्रोज अप डाउन भी मैं इसे डाउन वाला रखता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ नीचे वाले चाहिए। तो मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ, हाँ तो मुझे नीचे को ही चाहिए तो मैं ये वाला रखूँगा राइट। और ये करके अब मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस वाले को एनिमेट करना है, देन रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा और उसके बाद माउस को नीचे करूँगा ताकि ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाए। अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये यहाँ पर अब रिकॉर्ड हो चुका है देखो ठीक है, तो आई एक्सप्रेशन यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, यहाँ पर आईज जो है इसकी खुद की ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसमें आईज की लुक की ऑप्शन है, जैसे मैं अगर इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो इससे मैं कहीं पर भी आईज को दिखा सकता हूँ ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आई वाइड स्क्विंट की है, इस पर क्लिक करते हैं तो इससे आपकी आँख जो है बड़ी छोटी हो सकती है, तो हमें बड़ी करनी है आँख ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं वाइड स्क्विंट वाला, ताकि गुस्से में हम दिखा सकें इसको। और मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ, अगेन हाथ से मैं एनिमेशन करूँगा इसकी माउस हिला करके। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, अब इस डायलॉग में अगर मैं इसे प्ले करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़े और जॉ थोड़े ज्यादा खुल सकते हैं मेरे हिसाब से, तो उसके लिए और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एंग्री वगैरह की भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो ये सेकंड में फेस हेड फ्रंट में यहाँ पर एंगर रेज है, जिस पे मैं क्लिक करके एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ। हाँ यहाँ पर कुछ आ रहा है ना, इसमें फेस का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है राइट, तो इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ से एंग्री हो रहा है और ऊपर करने पर इस तरह से एंग्री, यहाँ पर मैं करता हूँ रिकॉर्ड और स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ से गला काटूंगा, तो अब की बार मुझे लगता है ज्यादा बेटर एक्सप्रेशन आए होंगे। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा। सो इस तरीके से आप एनिमेट कर सकते हैं राइट, इट वाज फन। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, देखो इसको रिफाइन करने के बहुत तरीके हैं, ये मैंने बहुत बेसिक बताया। अगर आपको बहुत प्रॉपर करना है तो इसके अंदर आप जाएंगे ना, यहाँ पर सारी जो भी आप एनिमेशन कर रहे हैं सबकी कीज लग रही हैं यहाँ पर ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाकर के देखें तो इधर एक्सप्रेशन की ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे एंड देन मोशन में जाएंगे तो यहाँ पर एक्सप्रेशन की भाई सारी आपकी चीज़ें जो है, ये आपको पूरी पपेट क्लिप नजर आ रही राइट। इसको स्मूथ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत तरह से इसको आप ट्विक कर सकते हैं, कि अल्फाबेट में जाकर के आप ट्विक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें वाइजिम्स में, जैसे रिपो लिखा हुआ है जो इसका, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा दोबारा से खुल जाएगा, आप पूरी चीज़ लिख भी सकते हैं ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि रिपो बट यही लिखना है आपको ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर आ क्या रहा है, इधर अगर मैं इसे प्ले करता हूँ यहाँ तक आया जिसने भी पापा, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ जिसने भी पापा ठीक है, कि इस एरिया तक ये होना चाहिए, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, जिसने भी पापा यहाँ तक हो गया राइट। तो ये चेंज करने के बाद एक बार मैं अलाइन पे क्लिक करता हूँ ताकि यहाँ पर ये अपडेट हो जाए। अलाइन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा, देयर आर सम अननोन वर्ड्स कलर्ड इन रेड दैट नीड टू बी करेक्टेड,
वुड यू लाइक टू ऐड दोज वर्ड्स टू एक्चुअली डिक्शनरी ऑटोमेटिकली, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, मुझे क्योंकि ऐड नहीं करना, मुझे केवल यहाँ पर इसको अलाइन करना है। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर वो जो मैंने लिखा था जिसने भी पापा को यहाँ पर लिखा आ गया। अब मैं प्ले करता हूँ, अब आप एक्चुअली जाकर के ना पूरा डायलॉग लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही जो ये इसने अपनी मर्जी से जो इसको समझ में आया वो इसने यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिएट किया है, लेकिन आप चाहो तो पूरा एक्चुअली इसको सही लिख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप जो है पूरा कोई भी करेक्टर अपना एनिमेट कर सकते हो। और अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं, इसके बाद आपको इसका प्रीव्यू निकालना है मान लीजिए, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर रेंडर पर जाना है और इधर जो है रेंडर वीडियो पर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर MP4 रख लेते हैं, अभी मैं जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है वह रखने वाला हूँ, 1280x720 30 फ्रेम, जो भी आप जो है रेजोल्यूशन बढ़ानी हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए हो 4K वगैरह निकालना हो तो, राइट। फिलहाल मैं सब कुछ नॉर्मल रखूँगा, ऑल की जगह पर रेंज है जहाँ तक ये एनिमेशन चल रही है। पहले हम चेक कर लेते हैं कहाँ तक इसकी एनिमेशन काम कर रही है, यहाँ कहीं तक काम कर रही है एनिमेशन, ये 521 फ्रेम्स तक ये है, 520 फ्रेम तक हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं एक्सपोर्ट विंडो है उसके अंदर 02 यहाँ पर 520 कर देता हूँ, राइट। और इसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर यस पे क्लिक करता हूँ ओपन करने के लिए। बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा जिसने भी। तो इस तरह से आप सिंपली यहाँ पर एनिमेशन कर सकते हैं। कुछ ब्यूटिफिकेशन के आपको टिप्स देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बेटर रेंडर निकालना है तो कंटेंट पे जाएं और यहाँ पर जो है पर स्टेज की ऑप्शन है, यहाँ लाइट रूम पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग से यहाँ पर स्टेज मिलेंगे, इसको आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर सीन के अंदर, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके कोई और लगाता हूं। तो ये काफी कूल लग रहा है, ये इस वाले पे हम एक बार प्रीव्यू निकाल लेते हैं और उसके लिए यहाँ पर रेंडर पे जाना है हमको, रेंडर वीडियो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, क्वालिटी बेटर कर लेते हैं थोड़ी सी, वीडियो यहाँ पर फुल है ठीक है, 30 फ्रेम अल्फा नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे HD की बजाय थोड़ा बेटर निकाल लेते हैं, अल्ट्रा HD कर लेते हैं, स्टूडियो विजन नहीं चाहिए, 360 नहीं चाहिए और फाइनल रेंडर चाहिए, प्रीव्यू नहीं चाहिए, तो प्रीव्यू करेंगे तो थोड़ा लोअर क्वालिटी का निकलता है, फाइनल रेंडर हम रखेंगे, हाई क्वालिटी डेप्थ ऑफ फील्ड कर लेते हैं, एंटी एलियजिंग के अंदर हम कर लेते हैं हाई 3x3 जो बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है, रिड्यूस कलर बेंडिंग विद नॉइज पे क्लिक कर देते हैं, रेंडर विद मैक्स टेक्सचर रेजोल्यूशन पे क्लिक कर देते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हमारी निकल जाए। रेंज तो हमने वही रखनी है 520 तक एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा बेटर क्वालिटी में निकालने की कोशिश करेगा, तो ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मीडिया एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया, इसको ओपन करते हैं। यस, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा। तो इस तरह से काफी कूल सी एनिमेशन बन गई और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको बनाने में, इसमें बॉडी एनिमेशन नहीं है, अगर बॉडी एनिमेशन भी और डाल देंगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा। तो बेसिकली टूल्स ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि आप चाहो तो ये 3D फॉर्मेट के अंदर पूरी पूरी फिल्में बना सकते हो, राइट। सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू, अभी शुरू कर दीजिए काम, जो भी आपके आइडियाज हैं उनको आप लेकर के आए बड़े स्क्रीन के ऊपर, बड़ा नहीं तो एटलीस्ट यूट्यूब की स्क्रीन तक तो आप ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए, यानी कि जो हर रोज वीडियोज आ रही हैं, हर रोज आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी बताइएगा आपको 3D के ऊपर और वीडियो चाहिए तो मैं देखो पहले भी लोगों ने कहा था तो मैं 3D के ऊपर और वीडियोज ला रहा हूँ, आज की वीडियो भी 3D के ऊपर थी, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए कि इस तरह की वीडियोज और चाहिए तो मैं और लेकर के आऊँगा। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।